आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रही हैं तस्वीरें आपको किसी खंडर खाने या पुरानी इमारत की लग रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह तस्वीरें कस्बा बलदेव के बलभद्र इंटर कॉलेज की हैं, उस बलभद्र इंटर कॉलेज की जो जनपद के सर्वाधिक पुराने विद्यालयों में से एक माना जाता है। वर्तमान में इसमें 700 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। यह तस्वीरें आपको दिल दहलाने वाली भी लग सकती हैं। पूरा विद्यालय खंडर हो चुका है, कमरे टूटे हुए, दीवारें फूटी हुई और छतें नदारद हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र कहाँ बैठे हैं। इसका जवाब भी इन तस्वीरों में ही मिल सकता है। या हो सर्दी, या हो गर्मी, या कोई अन्य मौसम, ये सभी छात्र छात्राएं खुले में ही पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि विद्यालय की ऐसी स्थिति के बारे में किसी को भी पता ना हो। यहाँ सांसद हेमा मालिनी से लेकर क्षेत्रीय विधायक पूरन प्रकाश तक भ्रमण कर चुके हैं, जिन्हें विद्यालय के प्रिंसिपल से लेकर छात्रों तक ने अपनी समस्या से अवगत कराया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी इस समस्या के विषय में लिखित में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस विद्यालय के भवन में कोई सुधार नहीं आया है। हैरानियत की बात यह है कि टूटे हुए खंडर में तब्दील विद्यालय को यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए विभाग के केंद्र भी बना दिया गया है, जो कहीं से भी परीक्षा केंद्र के मानकों को पूरा नहीं करता है। ऐसे में यह देखना भी बड़ा सवाल होगा कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के दावे करने वाला विभाग इन बच्चों को कहाँ बिठाकर परीक्षा कराएगा। इस समस्या से विद्यालय के प्रिंसिपल, शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर छात्र तक परेशान हैं नजर आए, और उन्होंने विभागीय अधिकारियों की अनदेखी की दास्तां बयान की। समस्या तो बहुत जटिल है और देख ही रहे हैं आप कि बिल्कुल ये खंडर पड़ा हुआ है कॉलेज, और कहीं से भी किसी भी सोर्स से हमने कम से कम 20 बार लिखित में भी हमने अपनी शिकायत को रखा, अपनी पीड़ा को रखा, पर न तो किसी गवर्नमेंट ने हमारी पीड़ा सुनी, न किसी विधायक ने सुनी, न किसी सांसद ने सुनी, न किसी ने सुनी, और कोई सोर्स नहीं है जिससे कि हम देखिए इस खंडर में हम अपने बच्चे बच्चियों को कहाँ बैठा लें, किस जगह बैठा लें। हमारे यहाँ बच्चे बच्चियों के लिए कोई किसी भी प्रकार की सुविधा, टॉयलेट और उसकी भी नहीं है, और बैठने की बिल्कुल व्यवस्था मेरे पास नहीं है। इतना परेशान हूँ मैं कि हमने हमारे सोर्स जो भी कॉलेज के थे उन सोर्सों से थोड़ा बहुत जितना काम है हम ज़्यादा से ज़्यादा करा सकते हैं उतना करा रहे हैं, पर गवर्नमेंट की तरफ से या किसी राजनीतिक आदमी या नेता की सपोर्ट का हमें 1% कोई लाभ नहीं मिला। क्यों, मैं बड़ी मुश्किल है, मैं बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं, और ये परीक्षा बोर्ड परीक्षा केंद्र है ये कॉलेज, बोर्ड परीक्षा में मैं मेरे भैया आप खुद देख रहे हो कि मेरी सारी क्लास है इस बाहर बैठी हुई है इस कड़ाके की सर्दी में, क्योंकि कमरे ही नहीं है बैठाने के लिए मेरे पास। और ये जनपद का सबसे पुराना इंटर कॉलेज है और 700 के करीब स्ट्रेंथ है इस कॉलेज की, 700 छात्र छात्राओं की। आप देख रहे हैं फील्ड में बैठे हुए हैं बच्चे, क्यों, कमरे नहीं है, और बोर्ड परीक्षा केंद्र में कैसे परीक्षा दिलवाऊंगा, कैसे बच्चों को बैठा लूंगा, बड़ी मुश्किल। यहाँ का माहौल ही बहुत ख़राब है, हालत ही बहुत ख़राब है। इस समय बिल्डिंग की देखभाल के लिए वैसा पैसा वैसा किसी से मिलता नहीं है, और जो भी है मैनेजमेंट तो कराते रहते हैं, हर साल कराते रहते हैं मैनेजमेंट, थोड़ा थोड़ा कराते रहते हैं, वो तो अपनी जेब से भी पैसा लगा देते हैं, अपनी जेब से भी पैसा लगा देते हैं, इतना कहाँ से लाएँ वो बताइए। तो आपने सुनवाई वगैरह कहीं एप्लीकेशन वगैरह? एप्लीकेशन वगैरह हमारे प्रधानाचार्य जी ने लगाई हैं। एक बार जहाँ हमारे विधायक जी आए थे, विधायक जी से भी हमने कहा, विधायक भी आए थे यहाँ पे, हमने उनसे भी कहा था हमारे लिए कोई समस्या का समाधान करो, कोई समस्या का, उन्होंने भी कोई समस्या अनुशासन दे के चले गए। अभी कुछ दिन पहले हेमा मालिनी भी आई थी, हमारी ये सांसद हैं, इन्होंने सो भी कुछ कहा था, ये भी कुछ कह के चली गई, सब आश्वासन दे के चले जाते हैं और यहाँ नेतागिरी के लिए आ जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी बिल्डिंग सब टूटी हुई है, अगर बरसात में 4 बूंद आ जाती हैं या मौसम खराब हो जाता है तो बच्चों को बैठाने की जगह एक कमरे में खड़ा करना पड़ता है। ये हमारे लिए बड़ी खेदजनक और शर्मनाक बात है। हम चाहते हैं कि सरकार या सरकार के प्रतिनिधि या कोई भी स्वयंसेवी संस्था हमारी मदद करे, जिससे हमारे कॉलेज की जो प्रगति है वो आगे बढ़ती रहे। क्या समस्या है? हमारे स्कूल की समस्या ये है कि हमारे स्कूल में सारी बिल्डिंग जर्जर हो रही है और बरसात के मौसम में पानी चुचाता है, इसीलिए बैठने के लिए हमारे स्कूल में विद्यार्थियों के लिए जरा सी भी जगह नहीं है, और हमारी क्लास साइंस की है जो कि केवल क्लास में ही चल सकती है, उसके लिए है, और हमारा गर्ल्स हैं उनके लिए टॉयलेट नहीं है,
और हमारे प्रिंसिपल सर ने कई बार अपील की है लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे सर ने लखनऊ भी की है, हर जगह शिकायत की है जहाँ हो सकती है, और हमारे स्कूल में पूरन प्रकाश विधायक जी भी आ चुके हैं, सांसद हेमा मालिनी भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है।